स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको हाइड्रोलिक क्लच को एडजस्ट करना सिखाऊंगा। इसमें मैं इसकी सेटिंग बताऊंगा आपको। जैसे हमारे पास इस पैडल में काफ़ी प्ले है, तो जो हमारे पास कस्टमर आए वो कह रहे हैं कि हमारा क्लच बिल्कुल नीचे से ही चल रहा है, पूरा दबा के हल्का सा छोड़ने पे हमारी गाड़ी मूव कर रही है। तो ये चाहते हैं कि हमारा क्लच कम से कम 80% या 60 to 70% छोड़ने पे गाड़ी चले। तो मैं इसकी सेटिंग करना आपको आज सिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखें। कोई भी हाइड्रोलिक क्लच हो, उसकी एडजस्टमेंट क्लच की पैडल के पास जो हमारा अपर मास्ट क्लच सिलेंडर लगा होता है, वहाँ से जो लिंकेज गई होती है पैडल टू सिलेंडर, उस लिंकेज को हमने एडजस्ट करना है। वो मैं लिंकेज आपको अभी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा लिंकेज का। यहाँ पे आप या लिंकेज के पास हमारा 13 नंबर का नट है, नट को आपको लूज करना है। नट को आप लूज करोगे, नट को लूज कर लिया। लूज करने के बाद जितनी प्ले है पैडल में, इस प्ले को आपको कम करना है। ये जो हमारा बीच में लिंकेज लगी है जिसमें प्ले है, उसको आपने विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर जो इसके अंदर फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करना है। हार्डली आपने इसको 360 × 2 720 डिग्री रोटेशन देनी है, टू बार घुमाना है इसको। और उसके बाद आपने जो इसके साथ हमारा लॉक लिंकेज के साथ जो 13 का नट है उसको टाइट करना है। अब आपकी प्ले ख़त्म होगी, अब आपका पैडल काफ़ी टाइट है, उस प्ले को ख़त्म कर दिया। अब आप जहाँ आपको क्लच की एडजस्टमेंट चाहिए आप उस लिंकेज से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्लच 50% अप पे आ गया है, 50 to 60। अब हमने क्लच को एडजस्ट कर दिया है 50 to 60। पहले कह रहे थे कि हमारा क्लच 5% छोड़ने पे गाड़ी मूव कर रही थी, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है हमारे, इसमें प्रॉब्लम आती है हमारा क्लच भी। क्लच अगर हमारा काफ़ी डाउन हो तो गियर शिफ्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, आपके गियर हार्ड हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर क्लच में फ्री प्ले भी छोड़नी है, और फ्री प्ले के साथ आपको क्लच का एडजस्टमेंट इतना करना है कि आपका क्लच 60, 50, 70% तक छूटने के बाद आपकी गाड़ी मूव करे।